हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 क्वेश्चन ऑफ 7 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ जीके जीएस सेक्शन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 7 अक्टूबर यानी आज के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका जीके जीएस इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसका जो पीडीएफ है, आपको पूरा इसका पीडीएफ आपको हर शिफ्ट का हर दिन का आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाके ज्वाइन होकर पीडीएफ आप ले सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ में सारा क्वेश्चन ऐड कर दिया जाता है वीडियो बनाने के चक्कर में। इसे काफ़ी हद तक क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो उन्हें पीडीएफ में शामिल कर दिया जाता है। तो बाकी पीडीएफ लेके पढ़ लीजिएगा। अच्छा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्रनाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो नागालैंड जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द चेरियुट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वाज बिल्ड बाई हुम। तो आपका नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द महाबलीपुरम टेम्पल वाज बिल्ड ड्यूरिंग द पल्लव डायनेस्टी। द सिटी ऑफ महाबलीपुरम वाज फाउंडेड इन द 7th century बाई द पल्लव किंग नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 16 इज रिलेटेड टू। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ साइना नेहवाल ऑटोबायोग्राफी बुक। तो आपका साइना नेहवाल की बात कर ले, इन इज एन इंडियन सटलर एंड हिज ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग टू विन। तो प्लेइंग टू विन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट टाइप ऑफ मिनरल इन माइका। तो सिलिकेट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइका इज अ वर्सटाइल मिनरल फाउंड एज फ्रेगमेंट्स इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इट कैन बी कट इनटू वेरी थिन लेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु इज करेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। तो यतनाहु पाटन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच पार्ट ऑफ बॉडी डज एपिलेप्सी इफेक्ट। तो ब्रेन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एपिलेप्सी मेनली इफेक्ट द ब्रेन। इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन काउजेज रिकरेंट सीजर्स। डेज सीजर्स कैन अफेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन काउजेज वेरियस सिम्टम्स सच एज टेम्पररी कन्फ्यूजन स्टारिंग मसल्स स्टिफनेस अनकंट्रोल जग्स एंड फेंटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपसे पूछा गया होगा तो वेक्टर क्वांटिटी की बात कर ले, आज दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज डायरेक्शन। फ्लोइंग आर द एग्जांपल ऑफ सम मेजर वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन फोर्स डिस्प्लेसमेंट मोमेंटम वेट इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में आपका क्या दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल वाज बिल्ड बाई हुम। तो राजेंद्र चोल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र फर्स्ट बिल्ड द सिटी कॉल्ड गंगाईकोंडा चोलापुरम एंड एग्जीक्यूटेड अ टैंक कॉल्ड चोल गंगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर हाउ लॉन्ग इज रुपीज 10,000 गिवेन अंडर पीएम स्वधनी योजना। तो 1 ईयर के लिए जो कि आपका दिया जाता है। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल लोन फैसिलिटी विदाउट एनी गारंटी अराउंड 50 लाख। स्ट्रीट वेंडर विल बी गिवन लोन अप टू 10,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर टू हेल्प देम रीस्टार्ट देयर बिजनेस इन अर्बन एरिया इंक्लूडिंग नीरवी अर्बन एंड रूरल एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीज वाज अवॉर्डेड पद्मश्री अवार्ड इन 2020। ही इज फ्रॉम विच स्टेट। तो मध्य प्रदेश के थे, तो मध्य प्रदेश जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु फाउंडेड द आर्य समाज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875। द ऑर्गेनाइजेशन वाइज फॉर काउजेज लाइक विंडो री मैरिज एंड एडुकेशन फॉर ऑफ गर्ल चिल्ड्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है कि वेन डिड एम्परर अशोका हट चेंज। तो आफ्टर द कलिंगा वार के बाद जो कि अशोका का हट चेंज हो गया था। क्यों? तो एम्परर अशोका हट चेंज आफ्टर द कलिंग वार। द कलिंग वार फाउट अराउंड 261 BC। इन दिस वार अशोका
conquered the Kalinga kingdom. However, there was a huge loss of life and property in this war. Lack of Kalinga soldiers were killed in this war. Ashoka was very sad to see the soldiers injured in the war and the women and children who become orphaned due to the dead soldier. After this war, Ashoka adopted Buddhism and started a mission to spread Buddhism in India and neighboring countries. Some more special thing about Ashoka. Ashoka full name was Dev Annamapriya Ashoka Maurya. His design was between 272 and 232 BC. Ashoka was one of the ruler of more density of the India. Ashoka played an important role in spread of Buddhism from Himalaya to Ceylon and from Greece to Burma. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि विच डिजीज इज काउज बाय मिनरल डिफिशियंसी. तो ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछा गया था कि कैल्शियम डिफिशियंसी से, मिनरल डिफिशियंसी से, आयरन डिफिशियंसी से आपका कौन सा डिजीज होता है. तो चलिए जान लेते हैं. मिनरल डिफिशियंसी कैन काउज अ वैरायटी ऑफ डिजीज. हेयर इज द लिस्ट ऑफ सम मेजर मिनरल डिफिशियंसी. तो कैल्शियम डिफिशियंसी से बात कर ले तो डिजीज की, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो कि आपका वर्किंग ऑन बोन्स वीकनिंग ऑन बोन्स सॉरी मसल्स क्रैम्प्स एंड इरेगुलर हार्ट बीट जो कि आपका डिजीज होता है. वहीं आयरन से आपका डिजीज की बात कर ले तो एनीमिया फेटिग वीकनेस एंड डिफिकल्टी कॉन्ट्रेटिंग जो कि आपका होता है. मैग्नीशियम की बात कर ले तो मसल्स क्रैम्प्स मेंटल डिसऑर्डर एंड हार्ट प्रॉब्लम जो कि आपका डिजीज होता है. पोटेशियम की बात कर ले तो हाइपोकलेमिया लैक ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड मसल्स वीकनेस एंड इरेगुलर हार्ट बीट. जिंक डिफिशियंसी की बात कर ले कौन सा वीकनेस डिसीज होता है तो आपका वीक इम्यूनिटी सिस्टम हेयर लॉस एंड डिलेड वाउंड हीलिंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच ईयर द प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लॉन्च. तो द प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की बात कर ले तो वाज ऑन लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 1993. द स्कीम एम टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वाज द फाउंडर ऑफ रामपुर सहसवन घराना. तो द फाउंडर ऑफ रामपुर सहसवन घराना वाज उस्ताद इनायत हुसैन खान जो कि आपका हो जाएगा ही फाउंडेड दिस घराना इन द लेट 19th सेंचुरी. ही चलिए हेयर इज द लिस्ट ऑफ सम मेजर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक घराना की बात कर ले तो जयपुर जो कि आपका अटरोली घराना भी कहा जाता है. तो फाउंडर की बात कर ले उस्ताद अलदिया खां जो कि आपका है. किराना घराना की बात कर ले तो फाउंडर है आपका उस्ताद अब्दुल करीम खां. ग्वालियर घराना की बात कर ले तो फाउंडर है आपका नथन पीरवक्श. पटियाला घराना की बात कर ले तो फाउंडर है आपका उस्ताद फतेह अली खां और उस्ताद अली बख्श. आगरा घराना की बात कर ले तो फाउंडर है आपका गुलाम अब्बास खां. बनारस घराने की बात कर ले तो फाउंडर है आपका पंडित राम शाही. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका विच लॉ डिड द लॉ कमीशन रिकमेंड टू कीप इन पैक्ट इन अप्रैल 2023. तो सेडिशन लॉ जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा. इन अप्रैल 2023 द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड रिटेनिंग द सेडिशन लॉ सेक्शन 124A ऑफ IPC. However, they also proposed some amendments and procedural safeguard to prevent its misuse. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओडिशा एग्रीकल्चर. तो आपका पूछा था कि कौन सा जो कि ओडिशा एग्रीकल्चर से नहीं है. तो पोगा पोडा इज नॉट पार्ट ऑफ ओडिशा एग्रीकल्चर. तो पोगा पोडा जो कि राइट आंसर हो जाएगा. ओडिशा में कल्टिवेट पेडी मेज सुगर केन वाइल्ड सीड पल्सेस एंड वेजिटेबल्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ द 5 टीम्स ऑफ वुमेन IPL. द टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर द 5 टीम ऑफ वुमेन IPL मोर देन 4,000 crore. तो 4,000 करोड़ जो कि राइट आंसर हो जाएगा. द इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच टीम वाज बिटवीन 500 to 600 करोड़. तो ये रहा जो कि आपका जीके जीएस सेक्शन से क्वेश्चन रहा. बाकी एक पीडीएफ की बात कर ले जो कि आपका टॉपिक वाइज पीडीएफ जो कि तैयार किया गया है हमारे और हमारे टीम के द्वारा. तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं. इसका जो कि रेट है आपका 49 रुपीज़ है. तो इसमें आपको MCQ वन लाइनर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपका मिल जाएगा टॉपिक वाइज.
टोटल 40 इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका ऐड किया गया है, जो कि आपका एक्सपेक्टेड है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है इसमें, टॉपिक वाइज कवरेज भी है, TCS आस क्वेश्चन है जो कि आपका अपडेटेड है 2024 से, जितना भी आपका एग्ज़ाम हुआ है अभी तक CHSL, CPU, फेस 12 का, तो उससे जो कि आपका अपडेटेड भी है। बाकी लैंग्वेज की बात कर ले, बाइलिंगुअल है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका जो कि ये उपलब्ध है। बाकी आप लोग देख ही सकते हैं, इसका डेमो भी हमने डाल दिया है। बाकी अगर लेना चाहते हैं तो ये दोनों नंबर पे जो कि कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ से भी आप जाकर परचेस कर सकते हैं। तो बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।